नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की सुर्खियों का राउंडअप अरिंदम और सालेहा से। आज सबसे पहले बात राजस्थान विधानसभा की, जिसका बजट सत्र आज से शुरू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य ने राज्यपाल की अगुवानी की। राज्यपाल कलराज मिश्र को आरएसी बटालियन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और प्रोसेशन के साथ उन्हें सदन में लाया गया। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ। भारत के सभी लोगों में समरसता समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। सदन में दिवंगत सदस्यों और जोधपुर के भूंगरा हादसे पर शोक व्यक्त किया गया। चूरू के सरदार शहर से नव निर्वाचित विधायक अनिल शर्मा को शपथ भी दिलाई गई। अभिभाषण के दौरान पेपर लीक प्रकरण पर विपक्ष के शोरगुल के कारण इसे 21 मिनट बाद पढ़ा हुआ मान लिया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। समाज और वहीं की संस्कृति में रजवस कर राज्य का नाम रोशन कर रहा है। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ने देने पर विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, अभिभाषण पढ़ते इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं सरकार की, तो गवर्नर साहब जो स्पीच पढ़ते हैं, वो स्पीच आप देखते हैं कि जो परंपरा है उसके हिसाब से वो जो भी सरकार की तरफ से उपलब्धि हुई है उसको वो बताते हैं कि ये सरकार की उपलब्धि रही है साल भर की। पेपर लीक का नाजुक सवाल है। नौकरियां इतनी लगा रहे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। 3,500,000 नौकरियां किसे कहते हैं? पेपर लीक इनके सब राज्य में हो रहा है। हमने जेल में भेज दिया लोगों को, नौकरी बर्खास्त कर दिया लोगों को, सब कुछ सरकार ने किया। मैं इनको कंडेम करता हूँ। ये नेता लोग, नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले वो खड़े हो गए। ये उपलब्धियां जनता के सामने आए, उस षड्यंत्र में लगे हुए हैं और हमें इसका मुकाबला ही करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने 1,923 सरकारी स्कूलों में मरम्मत कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि समग्र शिक्षा कॉम्पोजिट स्कूल ग्रांट के तहत हर साल 10,000 से 1,00,000 रुपए तक की राशि विद्यालयों को दी जाती है। उधर अजमेर में टीबी अस्पताल की नई बिल्डिंग पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चिकित्सा विभाग ने इसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। सौर ऊर्जा पंप स्थापना में राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर ही निर्भर नहीं रहना पड़े, इसके लिए सरकार खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक अनुदान देकर किसानों को लाभान्वित कर रही है। प्रदेश के 57,000 से ज्यादा किसानों को इस योजना के तहत फायदा मिला है और अब तक लगभग 983 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। प्रदेश में आज से 1 महीने का खान सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि इस दौरान अधिकारी फील्ड में जाकर खनन सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। 26 जनवरी से शुरू होने वाले राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। अब तक 8,00,000 से ज्यादा लोगों ने 7 खेलों में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। गहलोत सरकार इस आयोजन पर करीब 32 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आरपीएससी उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर के पदों के साक्षात्कार का पहला चरण आज से शुरू हुआ। आयोग सचिव ने बताया कि 859 पदों के लिए 2 फरवरी तक साक्षात्कार होंगे। वहीं जेईई मेन सेशन 1 परीक्षाएं कल से शुरू होंगी, ये 1 फरवरी तक चलेंगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाखों लोगों को बिना खर्च इलाज मिल रहा है। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र के नाहरगंज और जरखोदा गांव के 2 बच्चों की योजना के तहत मुफ्त हार्ट सर्जरी की गई है। इससे बच्चों को जन्मजात दिल की बीमारी से निजात मिली है। मतदाता जागरूकता गतिविधियों में हनुमानगढ़ जिला प्रदेश भर में अव्वल रहा है। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार सिहाग का राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। महान स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हुए। उनकी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि हुई और दीपदान, रंगोली और संगोष्ठी सहित कई आयोजनों के जरिए नेताजी को याद किया गया। आइए सुने क्या कहती है आज की युवा पीढ़ी नेताजी के बारे में। इमोशन है हम लोग के लिए, नेताजी वाड़े की इमोशन है। तो बोलते हैं पेट्रियट जो चीज होता है ना, तो नेताजी मतलब सबसे दिमाग में सबसे पहला आता है। He fought for the country. Like sometimes you need to use violence. That is what I think.